बोगनविला एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है। ये एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है जो कि ठंडियों में थोड़ा सा डोरमेंट रहता है। बोगनविला या पुराना हो या नया हो, आप नर्सरी से लेकर आए हैं या कोई पुराना प्लांट है, तो अगर पुराना प्लांट है तो वैसे तो मैंने फरवरी में ही प्रूनिंग कर दी थी। प्रूनिंग करने के बाद में आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। मेरे पास में कई सारे बोगनविला के प्लांट हैं जिनमें सभी में डिफरेंट डिफरेंट शेप में है। इनको थोड़ा सा शेप देना चाहती हूँ तो इनमें सभी में धीमे धीमे फ्लावरिंग स्टार्ट हो रही है। तो कुछ लॉन्ग वैरायटी के होते हैं बोगनविला, कुछ जो है ड्वार्फ वैरायटी के होते हैं। बोगनविला में हाइब्रिड वैरायटी भी आती है जो कि एक ही प्लांट में दो तीन कलर के फ्लावर निकलते हैं और अच्छी गुच्छों में बंचेस में फ्लावरिंग। नर्सरी से परचेज किया है तो उसको किस तरीके से आपको लगाना है, कौन सी खाद देना है, और यदि आपने प्रूनिंग कर दी है उसके बाद भी नई ब्रांचेस आ रही है, फ्लावरिंग नहीं आ रही है, जैसे कि आप देख रहे हैं जैसे ही नई ब्रांचेस आएंगी उनमें जो है सीधे फ्लावर आएंगे क्योंकि इनकी पत्तियों से ही फूल बनते हैं। तो अगर फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो आप ये फर्टिलाइजर डाल के देखें। मैंने फर्टिलाइजर डाला था, आप रिजल्ट देख सकते हैं। और एक बार फिर से मैं ये फर्टिलाइजर अपने पौधे में डालने वाली हूँ जिससे कि फ्लावर के कलर काफी अच्छे चमकीले हो जाए और जो है फ्लावर बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करें। कोई भी प्लांट है अगर उसको फ्लावर बूस्ट के लिए आप फर्टिलाइजर नहीं देंगे तो वो प्लांट अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगा। जमीन में लगा हुआ बोगनविला, उसको कोई भी विशेष केयर नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप जो है पॉट गार्डनिंग करते हैं, टेरेस पर गार्डनिंग करते हैं, तो आपको बार बार लगभग हफ्ते से 15 दिन में आपको प्लांट को फर्टिलाइजर देना पड़ेगा। आज जो है मैं अपने सभी प्लांट में फर्टिलाइजर दूंगी। फर्टिलाइजर देने के पहले मैं पूरी जितनी भी बीट्स वगैरह निकली हैं, जब हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर डालते हैं तो हमारे पौधे में बहुत ज़्यादा बीट्स ग्रो होती हैं। ये जो खरपतवार रहता है ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसको जो है आपको जब भी फर्टिलाइजर दें तो आपको इसकी सफाई कर लेना है। इसमें बिल्कुल भी आपको देरी नहीं करनी है क्योंकि अगर आप फर्टिलाइजर डाल देंगे और इसकी सफाई नहीं करेंगे तो प्लांट जो है बहुत अच्छे से भोजन ग्रहण नहीं कर पाएगा। जितने भी ये घास फूस रहेंगे, जो भी रहेगा, ये आधा भोजन जो है ये खींच लेते हैं। इस टाइम पर अगर आप बोगनविला की प्रूनिंग कर रहे हैं तो साथों साथ उसकी कटिंग भी लगा सकते हैं। इस तरीके की पतली पतली या पेंसिल साइज की जो कटिंग होती है उनको लगाएंगे तो बहुत ही इजीली इस टाइम पर लग जाएंगी क्योंकि अब जो टाइम है ये बोगनविला का ही टाइम है। जितनी गर्मी पड़ती है बोगनविला उतना ही अच्छा ब्लूम करता है। फर्टिलाइजर जब भी दें तो मिट्टी थोड़ी सी सूखी होनी चाहिए, लेकिन मेरी मिट्टी जो है गीली है क्योंकि मैंने शाम को इसमें वाटरिंग करी थी। लेकिन मुझे तो आज अपने सभी बोगनविला के प्लांट में फर्टिलाइजर देना है। फर्टिलाइजर मैं दो तरीके से देना बताऊंगी, सॉलिड फर्टिलाइजर और जो है लिक्विड फर्टिलाइजर। ये जो है गमला बहुत गीला है इसलिए मैंने इसमें अभी मैं इसमें लिक्विड फर्टिलाइजर नहीं बताऊंगी। ये गमला थोड़ा सा सूखा है, मतलब ड्राई है, मिट्टी थोड़ी सी ड्राई है, तो इसमें मैं थोड़ी सी गुड़ाई करूंगी। गुड़ाई भी हमको बहुत ज्यादा गुड़ाई नहीं करनी है क्योंकि बोगनविला का जो प्लांट रहता है उसको रूट बाउंडिंग बहुत ज्यादा पसंद होती है। बोगनविला के प्लांट को आपको साल दर साल, जैसे कि हम हर प्लांट को रिपोर्ट करते हैं, गुड़हल के प्लांट या जो भी कनेर के प्लांट, उनको हर साल हम फरवरी मार्च में रिपोर्ट करते हैं, लेकिन बोगनविला के साथ में ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ये जितने ही रूट बाउंड होते हैं उतने ही अच्छी ग्रोथ करते हैं। तो ऐसी इस तरीके से हमको गुड़ाई कर लेनी है। अगर मिट्टी गीली है तो आप 1 से 2 घंटे के लिए इसको सूखने के लिए रख सकते हैं। जब ऊपर की मिट्टी अच्छे से ड्राई हो जाए तब आप फर्टिलाइजर दे सकते हैं। और किन किन को ये फर्टिलाइजर नहीं डालना है, जहाँ पर मौसम अच्छे से फेवरेबल नहीं है, मतलब कि धूप बहुत ज़्यादा नहीं निकलती है, उनको ये फर्टिलाइजर यूज नहीं करना है क्योंकि इसमें जो इंग्रेडिएंट्स, मतलब जो भी तत्व मिले हुए हैं, अगर आप बारिश के टाइम पे वो फर्टिलाइजर यूज करेंगे अपने पौधों में तो फंगस की समस्या हो सकती है। तो ये फर्टिलाइजर आपको तभी देना है जब धूप बहुत तेज हो, क्योंकि कई जगहों पर बहुत ज़्यादा बारिश भी गिर रही है, कई जगहों पर बहुत सारे जो है ओले वगैरह गिरे हैं, तो ऐसी जगहों पर अभी आपको जो है इस फर्टिलाइजर का यूज़ नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, इस वाले में जो है मैं लिक्विड फर्टिलाइजर दूंगी जिसकी मिट्टी थोड़ी सी ड्राई है, और जिसकी मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली है उसमें जो है मैं सॉलिड फर्टिलाइजर दूंगी, क्योंकि सॉलिड फर्टिलाइजर दूंगी तो फिर मैं पानी नहीं डालूंगी। फर्टिलाइजर को अच्छी तरीके से नीचे साइड दबा दूंगी तो उसकी नमी मिलेगी, और जब मैं शाम को जब मिट्टी सूख जाएगी तब पानी दूंगी तो अच्छे से फर्टिलाइजर जड़ों तक पहुंचने लगेगा। फर्टिलाइजर बनाने के लिए कंटेनर लेना है, कंटेनर में पानी लेना है, उसके बाद में आपको 2 पीस ये खाद डालनी है। ये खाद अभी मार्च में आप अपने पौधों में जरूर दें। आपने रिपोर्टिंग करी है या कोई नया पौधा लाए हैं उसको लगा रहे हैं तो इस खाद का अगर आप यूज करते हैं तो फ्लावरिंग बहुत ही अच्छे से होगी। इसको बोलते हैं सरसों की खली। वैसे तो जब ज्यादा विंटर रहता है तब इसका यूज होता है, लेकिन आप इसका यूज साल भर कर सकते हैं। मात्रा जो है कम ज्यादा करना पड़ता है, जैसे गर्मी होती है उस हिसाब से मात्रा कम ज्यादा करनी पड़ती है। तो मैं इतना ही ले रही हूँ, दो दो टुकड़े मैंने लिए हैं इसके,
इससे हमारे पौधों में सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट मिल पाएंगे जो कि बोले जाते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। उसके बाद में आपको 1 से 1.5 चम्मच नीम खली लेना है। नीम खली आपके पौधों की जड़ों को मजबूत करती है, उनमें अगर कोई कीड़े मकोड़े लगने वाले रहते हैं या कोई भी फंगर वगैरह रहता है तो उससे जो है आपके पौधे दूर रह पाते हैं। तीसरा सबसे जरूरी खाद ये है गोबर खाद। गोबर खाद नहीं है आपके पास में तो आप वर्मी कंपोस्ट का यूज कर सकते हैं। गोबर खाद अगर इस टाइम पर आप रिपोर्टिंग करते हैं या कोई भी पौधा नया लाए हैं या पुराना पौधा है उसमें अगर डालेंगे तो नई नई ग्रोथ बहुत जल्दी से आती है तेजी से। गोबर खाद में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है जिससे कि आपके पौधे बहुत तेजी से न्यू ग्रोथ करने लगते हैं। तो लगभग 1 मुट्ठी के करीब आपको ये लेना है, 1 से 1.5 मुट्ठी, और इसको आपको 2 से 3 नाइट के लिए भिगोकर रख देना है। इसको आपको किसी भी एयर टाइट ढक्कन से नहीं ढकना है, बस ऐसे ही आपको ऐसे ढक देना है। इसकी जो है ये अच्छे से टाइट नहीं करना है, तो इस तरीके से आप ऐसा ढककर रख दें और रोज इसको एक बार ऐसे उठाकर देख लिया करें जिससे कि इनमें बहुत ज्यादा एयर ना भरे। 2 नाइट बाद कुछ इस तरीके की खाद बनकर रेडी होगी आपकी। आप देखेंगे लिक्विड नीचे है और ये फर्टिलाइजर आपको जो आपने सॉलिड फर्टिलाइजर डाला था पानी में वो इस तरीके से गलकर कुछ काला सा तरीके से हो जाएगा। तो इसमें आपको नीम खली भी दिखेगी, सरसों खली भी दिखेगी और गोबर की खाद जो है इसके नीचे, इन दोनों ही फर्टिलाइजर के नीचे है। अब इस फर्टिलाइजर को हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। काफी थिक फर्टिलाइजर बनकर रेडी होता है। अगर आप इतना फर्टिलाइजर बनाते हैं तो लगभग ये फर्टिलाइजर आप अपने 10 से 15 पौधों में आराम से दे सकते हैं। इसको अच्छी तरीके से आपको मिक्स कर लेना है जिससे कि पूरे फर्टिलाइजर अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और इसमें एक प्रकार की स्मेल भी आती है। जितना ही स्मेल मारता है फर्टिलाइजर उतना ही अच्छा हमारे पौधों पर रिस्पॉन्स आता है। आप चाहें तो आप इसको छानकर भी डाल सकते हैं लेकिन अभी तो मैं जो है जो भी पौधे आपको दिखाती हूँ वो परमानेंट पौधे ही रहते हैं तो छानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब इस फर्टिलाइजर को हम एक गिलास में निकाल लेंगे। गिलास में हमको लगभग आधा गिलास, ये देख सकते हैं लगभग आधा गिलास से भी कम है ये फर्टिलाइजर, तो आधा गिलास हम इसमें फर्टिलाइजर डालेंगे और पूरा ये जो कंटेनर है इसको हम पानी से कवर कर देंगे। तब इसमें हम पूरा पानी फिल कर लेंगे। तो पतला, जितना ही पतला फर्टिलाइजर होगा पौधा उतने ही अच्छे से जड़ों तक इस फर्टिलाइजर को ले पाएगा। तो ये समझ के रखिए कि अगर आपने एक गिलास फर्टिलाइजर लिया है तो कम से कम 8 से 10 गिलास आप पानी ले सकते हैं। ये मेजरमेंट रखेंगे तो पौधे आपके डैमेज भी नहीं होंगे और धीमे धीमे आपके पौधे को पोषण भी मिलता रहेगा। अब जिस पौधे की हमने गुड़ाई की थी उसकी जड़ों में हम इसको 1 गिलास के करीब ये फर्टिलाइजर डाल देंगे। इससे ज्यादा फर्टिलाइजर नहीं देना है, फर्टिलाइजर उतना ही देना है कि पौधों की जड़ों तक पहुंच जाए, मिट्टी गीली हो जाए। ड्रेनेज से मतलब कि नीचे के छेद से ये फर्टिलाइजर निकलना नहीं चाहिए। तो आप देख सकते हैं अच्छे से ये सोख लिया है। अब मैं बताती हूँ सॉलिड फर्टिलाइजर बनाना, तो ये है गोबर की खाद और गोबर की खाद के साथ में आपको थोड़ा सा क्रश करके ये सरसों खली ले लेना है। सरसों खली की मात्रा आप कम रखिए, मैं कम से कम 2 पौधों के लिए बता रही हूँ। सरसों खली की मात्रा इसलिए कम रखना है क्योंकि ये सूखी है मतलब कि सॉलिड है, तो अगर जड़ों में सूखी खाद ज्यादा देंगे, सरसों खली गर्म होती है तो पौधे जो है डैमेज हो सकते हैं। और ये रही लगभग 2 टेबल स्पून के करीब नीम खली, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसी को हम अपने पौधों की जड़ों में देंगे। पौधों की जड़ों में देने के लिए हम साइड साइड से थोड़ा सा होल करेंगे, इस तरीके से थोड़ा सा रिंग साइड बना लेंगे ऐसे, और 1 से 2 चम्मच के करीब हम ये फर्टिलाइजर इसमें दे देंगे और ऐसे मिट्टी को फिर से ढक देंगे। शाम को जब इसमें पानी दूंगी तो ये फर्टिलाइजर अच्छे से हमारे पौधों में मिल जाएगा। पानी अभी इसलिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि मिट्टी बहुत ज्यादा गीली है, तो शाम को जब पानी दूंगी तो मिट्टी भी थोड़ी सी ड्राई हो जाएगी और पौधा बहुत अच्छे से फर्टिलाइजर ले भी पाएगा। तो फ्रेंड्स ये फर्टिलाइजर अब मैं अपने बोगनविला के पौधों में दे देती हूँ। तो यदि आपने अभी तक बोगनविला के पौधे में फर्टिलाइजर नहीं दिया है या रिपोर्टिंग नहीं की है या जो है उसकी सफाई नहीं की है तो अच्छे से करके और ये फर्टिलाइजर देकर देखें, रिस्पांस आपको बहुत अच्छा मिलेगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।